मुझे थर्ड राउंड चाहिए, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। कुछ दिन पहले मेरे पास एक कपल आया, अंदाजे 32-33 साल की वो औरत होंगी, उसका पति जो है वो 35 साल का, उनको दो बच्चे हैं, एक है 3 साल का, एक है 1.5 साल का। और वो वाइफ का हस्बैंड के साथ में रोज झगड़ा। वो झगड़ा इसलिए कि वो बोलती कि नहीं, मुझे एक रात में कम से कम 2-3 बार तो भी होना है, 3 बार तो भी करना ही चाहिए, क्योंकि मेरे को खुशी मिलती नहीं है। और उसके वजह से वो हस्बैंड ये हो गया कि भाई शादी होने के बाद में भी 2-2, 3-3 बार कर रहा हूँ और तभी भी वो और चाहती है तो मैं कितना क्या करूँ, और झगड़ा करती, झंझट करती है, क्या करना क्या उसका। फिर जब डीप में गया मैं और उनको पूछा तो मालूम पड़ा कि इसका प्री मैचर इजैकुलेशन होता है, मतलब शीघ्र पतन होता है, नंबर एक। एक वो कारण था। तो शीघ्र पतन में वो इसका पतन होने के मतलब इसका पतन होता है वो फटाफट होता है, तब तक वो एक्साइट भी नहीं हो रही, मतलब वो अराउज भी नहीं रहती, उसके पहले इसका पतन हो जाता है। तो नेचुरली वो बोलती है, अरे मेरा तो कुछ भी नहीं, आप तो खत्म भी होंगे, बाजू भी होंगे, मेरा तो कुछ भी हुआ नहीं अभी तक। तो बोलती है और करो। अभी होता क्या है कि पहला होने के बाद में कोई भी व्यक्ति को एक रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब ये है कि एक बार सेक्स होने के बाद में एक बार इजैकुलेशन हो गया तो सेकंड टाइम करने के लिए उसको कोई टाइम देना पड़ेगा, कुछ समय बिताना पड़ेगा, सब समय जाने देना पड़ेगा। अब अर्थात यह है कि 18-19-20 साल की उम्र है, 20-22 तक, तो वो इसमें क्या होता है कि एकदम टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसमें हो सकता है कि आधे घंटे बाद में, एक घंटे बाद में फिर लड़का तैयार हो जाता है। अब यह 35 साल का है, शादी को ऑलरेडी 5-6 साल हो चुके हैं, रोज कर रहा है, और वो सेकंड टाइम थर्ड टाइम होने का कोई कारण नहीं है। फिर रात भर जागो, बोलती कि नहीं होना ही, फिर जबरदस्ती कुछ तो भी कर रहा है, फिर वो उसका समाधान नहीं है, फिर रात भर जागते, झंझट करते, झगड़ा करते दिन भर, फिर और नींद आ रही है या फिर चिड़चिड़ापन है, दोनों की पट नहीं रही। मैंने देखा कि मेनली दो कारण है इसके, एक तो इसका प्री मैच इजैकुलेशन हो रहा है, जल्दी गिर रहा है करके, और दूसरा जब ये लेडी को मैंने डिटेल क्वेश्चनिंग किया तो मालूम पड़ा कि इसकी जो सहेलियां हैं वो बोलती है कि हम रात में 4-4 बार 5-5 बार करते हैं। मतलब अभी वो बोलती है कि 4-5 बार करते हैं, क्या तूने जाके देखा? नहीं, बोले मैंने देखा नहीं। फिर वो काय पर से 4-5 बार कर रहे हैं? वो तो ऐसे बड़प्पन बताने के लिए कर रहे कि हाँ हम तो 4-5 बार करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। कौन देखने आ रहा है? तू बोलना मैं 6 बार करती हूँ, प्रॉब्लम क्या है? तो बोले ऐसा है, मतलब हाँ अभी 35 साल की उम्र आदमी की है, 32 साल की उम्र वो औरत की है, तो 3-3 बार तुम कैसा एक्सपेक्ट करोगे एक ही रात में? और करना है फिर आपको दवाई लेनी पड़ेगी, गोलियां खाओ, इरेक्शन लाओ, और उसमें भी टाइम तो देना ही पड़ेगा। क्या होता है कि औरतों को मल्टीपल ऑर्गेजम संभव है, मल्टीपल ऑर्गेजम्स मतलब जो उच्चतम चरम सीमा है सेक्स में, जिसको ऑर्गेजम बोलते हैं, वो बार बार एक ही इसमें हो सकती है। मतलब फोर प्ले कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, उसका ऑर्गेजम हो गया, उस चरम सुख पर पहुंच गई, रिलैक्स हो गई, 10 मिनट बाद में वो फिर से और कुछ कर सकती है सेकंड टाइम भी, फिर 5 मिनट बाद में फिर और तीसरे बार भी तैयार हो सकती है। मतलब उसको कोई लिमिट नहीं है। उसको मैंने ये समझाया कि कोई आदमी जो है वो आदमी दिन में 10 बार नहीं कर सकता ना सेक्स, कितने भी पैसे दिया तो भी, मगर औरत 10 बार सेक्स कर सकती है। और इसलिए जो है कि भाई 10 बार पैसे लेके औरतें करती है सेक्स, और सेक्स वर्कर है वो, इसलिए है कि उनको कुछ करना ही नहीं है, दे आर मोर ऑर लेस पैसिव पार्टनर। और यदि उसको सेक्स के समय एक्साइटमेंट नहीं आ रहा होगा तो औरत क्या करती है, एडमोस लूब्स लगाती है, लुब्रिकेंट लगाती है ताकि चिकना बना जाता है, और सेक्स करने देती है, पैसा लेती है। तो औरतों को 10 बार करना पॉसिबल है क्योंकि उनको तो पैसिव पार्टनर है, लूब लगाओ, लुब्रिकेंट लगाओ, कोई मतलब चिकनापन नहीं आए तभी भी सेक्स करो,
सामने वाला आके पैसे देके जा रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कभी कभी एन्जॉयमेंट भी उसको होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आदमी नहीं कर सकता ना ऐसा। तो जब उसको पूरा ये समझाया तो उनका काफ़ी उनको अच्छा लगा। फिर मैंने बोला ठीक है, अभी मैं प्री मैच इजैकुलेशन नहीं हो रहा है कि भाई उसका जल्दी हो रहा है तो उसके लिए मैं दवाई भी देता हूँ। तो अभी आपको पता ही है कि अभी PDE5 इनहिबिटर्स जो आए हुए उसमें नए नए आए हुए, एवेनाफिल है, परदानाफिल है, तो उसमें कम साइड इफेक्ट है, वो मैंने उसको दिया। फिर SSRIs है, क्लोमिप्रामिन ड्रग्स, ऐसे कॉम्बिनेशन हमने खुद बना के लिए हुए कि जो कॉम्बिनेशन में ड्रग्स आते हैं उसमें क्लोमिप्रामिन है, SSRI है, बेंजोडाइजिपिन्स है, उधर PDE5 इनहिबिटर्स है, ऐसे एलोपैथी में ऐसे हमने कॉम्बिनेशन बना के स्पेशल मैंने लिए हुए ताकि एक ही गोली में ये सब आ जाएगा और कम से कम गोली लेकर फ़ायदा हो जाएगा, मतलब इरेक्शन भी आएगा और टिकेगा भी। तो ऐसे उसको मैंने गोली दी, फिर लोकल उसको ऑइंटमेंट भी दिया, उसको मैंने स्क्विज टेक्निक सिखाया, स्टॉप स्टार्ट टेक्निक, स्क्विज टेक्निक, जो मैंने मेरे और वीडियो में आप देख सकते हैं, कीगल्स एक्सरसाइज सिखाया उसको, उसको फीमेल ऑन टॉप पोजीशन सिखाई, ऐसा काफ़ी सारा उसका सेशन मैंने लिया। और हमारे जो सेशन होते हैं ऑनलाइन उसको मैंने उसको ज्वाइन करने के लिए बोला, क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक बार उनको दवाई देने के बाद में उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना भी ज़रूरी होता है, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है सेक्स के मामले में, बाकी बहुत एजुकेशन है पर सेक्स में नहीं है, तो उनको भी हम ऑनलाइन बुलाते, ऑनलाइन बुला के लाइव वेबिनार्स लेते हैं, सेशंस लेते हैं लाइव, और उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाते रहते। तो उसको मैंने उसमें भी आने के लिए कहा, दवाई दिया, उसके वाइफ भी काफ़ी सारी रिलैक्स हो गई क्योंकि उसके मन में बहुत सारी गलत फहमियाँ भी थी, तो भी ठीक किया। और मैंने उसको ये बोला आदमी को कि भाई तू एक ही बार में यदि सेक्स बराबर करता है और उसी समय उसको यदि एक बार अच्छा ऑर्गेजम आ जाता है वो औरत को, मतलब इसके पत्नी को, तो फिर सेकंड टाइम डिमांड नहीं करेगी। और सेकंड टाइम डिमांड करना है तो उसको बोला कि भाई ठीक है आपको गोली लेनी पड़ेगी या आपको टाइम देना पड़ेगा ना, कम से कम अभी उम्र के हिसाब से हो सकता है कि वो 10 घंटा 12 घंटा भी हो, मतलब रात में एक बार किया सवेरे एक बार किया, तो वो करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ कि मैंने उनको ये रिकमेंड किया है कि भाई अभी आप दिन भर काम करते रहते हो, थक जाते हो, दो दो आपको बच्चे औरत भी थक जाती है, आदमी भी थक जाता है, तो ऐसा कोई फोर्स मत करो कि जाके रात को सेक्स करना ही है, मतलब आप हफ्ते में 2 बार सेक्स करो, वो भी प्लानिंग करो, सेक्स कब करना है उसका भी प्लानिंग शेड्यूलिंग, ताकि क्या होता है कि बहुत बार झंझट झगड़े औरतों में और आदमी में इसलिए होते हैं कि रात को बोलता है कि मुझे सेक्स करना है, बोलती मैं थक गई, तो पहले से यदि अपॉइंटमेंट लेके सेक्स किया, लोग बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है इसके लिए, मैं हाँ अपॉइंटमेंट इसलिए लेना है कि वो थकी हुई है, वो चिड़चिड़ी है, उसका कोई मूड नहीं है, उसको बदन दर्द कर रहा है, ऐसा कुछ भी उसको हो रहा है, वो उसमें है ही नहीं उस स्पेस में, और आदमी अभी बोलेगा सेक्स करो तो वो नहीं बोलेंगे, फिर आदमी चिड़चिड़ा बंद करेगा, तो इसलिए आप पहले से तैयारी रखते हो। और इसमें बहुत ज़्यादा यदि उनको मैंने ये भी बताया, काउंसिलिंग किया कि ये औरत, मतलब इसकी पत्नी यदि बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर ये कर रही कि नहीं नहीं मुझे तो पहले इसमें होता ही नहीं और आपको बहुत ज़्यादा प्री मैच इजैकुलेशन है, बहुत जल्दी हो रहा है, ये दवाइयाँ दिया उससे रुक रहा है मगर ज़्यादा नहीं रुक रहा है, इसको ज़्यादा समय और चाहिए, तो फिर बेस्ट ये है कि आप मास्टरबेशन करो, मतलब हैंड प्रैक्टिस करो 2 घंटा 3 घंटा पहले, बाद में ये गोली खाओ और बाद में सेक्स करो ताकि आप टिक सकेंगे। तो एक ही राउंड में वो औरत का समाधान हो जाएगा और सेकंड थर्ड राउंड लेने का कोई कारण नहीं होगा। और इसके अलावा भी लेना है तो ले सकते हैं, मगर मैंने बोला कि आपको कितने दिन चलाना है, क्या आपको अभी बिल्कुल 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार करो, आपको लंबी रेस का घोड़ा करना है तो आराम आराम से करो। यूजुअली इंडियन स्टेटिस्टिक्स ये बोलता है इंडिया में कि लोग 35 साल 40 साल ये जो उम्र है इसमें हफ्ते में 2 बार करते हैं एवरेज में, एवरेज इंडियन, तो वो करो। और औरत को तो ऑर्गेजम कितने भी चाहिए वो तो अपन पूरा कर सकेंगे नहीं है, तो फिर औरत को मैंने बताया कि यदि आपको ऐसा चाहिए चाहिए तो फिर आप मास्टरबेशन करो, मास्टरबेशन करके मतलब हैंड प्रैक्टिस, औरत ने इसका मेरा अलग वीडियो है, वो करो और वो करके अपना खुद का समाधान कर लो, वो मास्टरबेशन आप कितने भी बार कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यदि वो लेडी यदि बहुत ज़्यादा निम्फोमैनिक है या हाइपरसेक्सुअल है और आदमी नहीं कर सकता है उतना, तो फिर उसको तो मास्टरबेशन करना पड़ेगा, तो मास्टरबेट करो ताकि उसका भी समाधान होगा और चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा। तो ये सब काउंसलिंग करके वो फिर मेरे पास में आए 15 दिन के बाद में और बोले कि अभी हम बहुत खुश हैं, हमारा लाइफ अच्छा चल रहा है,
और अभी दोनों भी बहुत ही हैप्पी थे। तो ये महत्व होता है सेक्स एजुकेशन का और प्रॉपर दवाई देने का। लोग क्या करते हैं, हमको बोलते नहीं जल्दी, बस जल्दी फटाफट तपास लो, जल्दी फटाफट दवाई दे दो, हमको जाने दो। मतलब आते हैं ऐसे घोड़े पर बैठ के कि बात करने को भी समय नहीं है। और मैं उनको बोलता हूँ कि भाई दवाई लेकर सिर्फ फायदा होगा नहीं, गारंटी नहीं है। आपको दवाई के साथ में काउंसलिंग करना, समझ लेना, अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स है, काउंसलिंग है, वो करना जरूरी है। फिर लोग महंगी महंगी दवाई लेते, फायदा होता नहीं, फिर बोलते देखो दवाई से फायदा नहीं हुआ। तो ऐसा ना करो। आप हमें ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए हुए। आपको यदि कॉन्टैक्ट करना है तो कॉन्टैक्ट करो, मेरी अपॉइंटमेंट ले लो, हम वीडियो कॉल करेंगे, ऑडियो कॉल करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। मैं चेकअप करने के लिए आपको बोलूँगा, कोई ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलूँगा, वो सब करके फिर आपको दवाई दूँगा। इवन आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। बहुत सारे लोग ये बीमारी से तंग है, झगड़े झंझट होते हैं, डिवोर्स होता है, सेपरेट रहते हो जाते हैं, तो उनका डिवोर्स बच जाएगा और लोग अपना वैवाहिक जीवन खुशी से जी सकेंगे। सो शेयर करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दीपक अग्रेकर साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।